मॉर्निंग फ्रेंड, हो चुकी है शुरुआत हमारे नए दिन की। कल तक हम लोग भवन गए, भवन दर्शन किए माता के, वापस आए रूम में सोए। रात को थोड़े ज़्यादा टाइट थे, लास्ट ब्लॉक के अंदर काफ़ी शॉट हमने मिस भी किए, पर आज ऐसा ना हो इसलिए मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। तो तैयार मैं हो चुका हूँ, बाकी मेरे साथ ही तैयार हो रहे हैं। थोड़ी देर के अंदर आपको मिलते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ जाना है। प्लानिंग चल रही है, वैसे शिव थेड़ी या शिव केड़ी नाम से कोई यहाँ जगह है, शिव का मंदिर है, वहाँ जाने की सोच रहे हैं। तो जो भी प्लान बनता है थोड़ी देर के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ तो दोस्तों, हम लोग हो चुके हैं तैयार, होटल कर दिया लेफ्ट, अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग शिव थेड़ी के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में कार के अंदर। तो दोस्तों, हम लोग निकल रहे हैं जब कटरा से शिव थेड़ी के लिए। सारी टीम हमारी तैयार है घूमने के लिए। आज का सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एक फिर से चढ़ाई आएगी जो लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर की है, एक ट्रैकिंग। कल से थोड़ा सा इसका अनुभव डिफरेंस होगा, तो चलते हैं, अनुभव लेते हैं और मिलते हैं आपको। तो आपने एक देखा एडवेंचर, एक सफ़र। लगभग 7 से 8 किलोमीटर हम लोग उस रोड के ऊपर रहे। रोड तो थी नहीं, सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे, काफ़ी खतरनाक। कभी आए तो गूगल से मदद ना लें, मैं कहूँगा इस मामले के अंदर लोगों से रास्ता पूछें, तो गूगल आपको जंगलों में ले जाएगा। बारिश के दिनों में तो गलती से भी इस रास्ते के ऊपर ना आए, क्योंकि काफ़ी वाटर क्रॉसिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, हो सकता है आपकी गाड़ी निकले ही ना। तो थोड़ा सा अवेयर होके इस एरिया के अंदर आए, क्योंकि रिस्की है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों, बाय मिस्टेक हम लोग 70 किलोमीटर आउटर चले गए। आउटर मतलब हम लोगों ने जाना था शिव खोरी, हमने सर्च कर लिया शिव खेड़ी। दोनों ही जगहें थी जम्मू के अंदर। उसका रास्ता आपने वीडियो के अंदर आप देखोगे, काफ़ी खतरनाक वे। कहीं रोड थी तो कहीं रोड बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल कच्चे के अंदर हमें चलना पड़ा। अब सही रास्ता मिला, हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। थोड़ी देर के अंदर आप लोगों को दर्शन करवाते हैं भगवान शिव के। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ तो दोस्तों, अभी हम लोग रुके हुए हैं शिवखोरी के रास्ते के अंदर, एक फ़ोटो सेशन चल रहा है, सारे हमारे साथी फ़ोटोज़ करवा रहे हैं, एक अल्टीमेट सा व्यू है। थोड़ी देर के लिए रुके हैं, कुछ पल एंजॉय करेंगे, फिर चलते हैं आगे, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। आपको करवाएंगे आज दर्शन शिवखोरी के चक्कर में तो पहले ही हम लोग गलत जा चुके हैं, तो शिवखोरी चलते हैं और लेते हैं वहाँ के नज़ारे। Oh,
समय हो रहा है, करीब 1:30 हम लोग पहुंच चुके हैं शिवखोड़ी। 2.5 घंटे का सफ़र हमने 5 घंटे के अंदर किया है, क्योंकि हम गलत जगह चले गए थे। तो यहाँ से डायरेक्ट अब ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं, तो मिलते हैं आपको ट्रैकिंग में। हाँ तो दोस्तों, हमारी ट्रैकिंग हो चुकी है शुरू। हम लोग जा रहे हैं शिवखोरी। यहाँ से हमारी यात्रा रहेगी पैदल। गाड़ी हमारे पार्किंग के अंदर लगा दी थी, थोड़ा सा नाश्ता किया है न्यूट्री का। अब चलते हैं, थोड़ी देर के अंदर आप लोगों को दिखाएंगे रास्ते के व्यूज़, मज़ा आएगा। दोस्तों ट्रैकिंग का आनंद लेते हुए, बारिश धीमी धीमी चलती हुई, पीछे का व्यू अल्टीमेट वाला, एक मज़ेदार सफ़र होने वाला है ये। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग शिवखोरी की इस यात्रा का आनंद ले रहे होंगे। आप हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन इस ब्लॉग के थ्रू आप भी यहाँ काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। एक अल्टीमेट वाला व्यू है दोस्तों। एक रिक्वेस्ट, कभी यहाँ वैष्णो देवी आएँ तो होके जाएँ, हमारी तरह ना करें। शिवखेड़ी नहीं शिवखोरी, एक बात ध्यान रखें, नहीं तो कहीं और पहुँच जाएंगे। वो मज़ा आ रहा होगा काफ़ी इस यात्रा के अंदर, एक अलग एक्सपीरियंस, एक अलग मज़ा। ऐसे ऐसे व्यू जो कि मैं कहता हूँ कि दोस्तों देखने ही क्या, बोलने ही क्या। तो दोस्तों कभी वैष्णो देवी आए तो इस जगह को मिस ना करें, ज़रूर आए, रिक्वेस्ट माने। दोस्तों रास्ते के अंदर अति बारिश की वजह से हमें अपनी यात्रा को बीच में एक बार रोकना पड़ा है। देखते हैं यहाँ कब तक रुकते हैं, बारिश बहुत ज़्यादा है, हवाएं तेज चल रही हैं, गर्मी में सर्दी का एहसास हो रहा है। तो आपसे हम थोड़ी देर बाद अपडेट होते हैं, बारिश रुकती है तो हम लोग अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों बारिश के कारण हम लोग रेनकोट लेने के लिए गए, लेकिन रेनकोट की उपलब्धता नहीं होने के कारण हमें नहीं मिले। हम रास्ते में कुछ देर रुके, हमारे 2 बच्चे रेनकोट के अंदर हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे पीछे। बाकी मैं कहूँ कि इस यात्रा को यदि हम लोग ना करते, रास्ता गलत होने की वजह से छोड़ते, तो बहुत कुछ मिस करके जाते। एक अल्टीमेट वाला व्यू, इन जगहों पे आना चाहिए दोस्तों। पहाड़ियाँ तो बहुत घूमते हैं, लेकिन पहाड़ियों के अंदर इस तरह की ट्रैकिंग करने का अलग ही मज़ा है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के अंदर रास्ते में। तो दोस्तों होप कर रहा हूँ आप सब लोग इंजॉय कर रहे होंगे, इंजॉय कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियो आपके लिए और बनाते रहेंगे, मिलते रहेंगे। अभी वैसे सिर्फ लगभग 1/2 किलोमीटर की दूरी और रह गई है शिवखोरी गुफा की, तो चलते हैं गुफा के अंदर। अंदर कैमरा अलाउड नहीं होगा, तो हम इसे क्लॉक रूम के अंदर रख के जाएंगे, आकर आपसे फिर से रूबरू होंगे। यदि गेट तक के दर्शन करवा पाएंगे तो आपको ज़रूर करवाएंगे। हाँ तो दोस्तों शिवखेड़ी गुफा दर्शन करने के बाद हम लोग आ चुके हैं बाहर।
बाहर आने के बाद मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हम सभी को यहाँ पर लाइफ में कम से कम एक बार आना चाहिए। काफ़ी अच्छा व्यू, एक अल्टीमेट वाला बोल सकते हैं आप लोग, नेचुरल गुफा है। थोड़ा सा निकलना हार्ड है क्योंकि काफ़ी छोटे और कंपोज रास्ते हैं, तो आप लोग कभी आएँ, देखें, करें, इंजॉय करें इस राइड को। हाँ तो दोस्तों, वापस का सफ़र हम लोग कर रहे हैं घोड़ों पे, क्योंकि पैरों में काफ़ी दर्द था, कल वैष्णो देवी की चढ़ाई की थी आशीपुरी की, वापसी आना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो हम लोगों ने घोड़े कर लिए हैं। वैसे आप भी आए तो वापसी घोड़ों से आ सकते हैं, नॉर्मल चार्जेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैं और मेरी बेटी दोनों सफ़र का इंजॉय कर रहे हैं। पीछे हमारे बाकी साथी आ रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा पीछे है तो शायद दिखाई ना दे रहे हो। एक अल्टीमेट वाला व्यू है दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों यात्रा हुई हमारी ख़त्म, आ गए हैं वापस हम शिवखोरी, जा रहे हैं कार के अंदर, तो देखते हैं थोड़ी देर के अंदर क्या प्रोग्राम बनता है। सारे साथी कह रहे हैं कि रात यहीं रुकें, यदि रुकते हैं तो थोड़ी देर मार्केट घूमेंगे, कुछ खाएंगे, पिएंगे, मज़ा करेंगे, करवाते हैं आपको भी। तो हम लोग निकल चुके हैं शिवखोरी से जम्मू के लिए, नाइट स्टे का हम सभी ने फैसला लिया है कि हम जम्मू रुकेंगे, क्योंकि यदि यहाँ नाइट स्टे करते हैं तो कल का सारा दिन हमारा सफ़र में निकल जाएगा, क्योंकि हमारा वापसी का सफ़र काफ़ी लंबा है यहाँ से। तो जम्मू रुकेंगे, सुबह हो सकता है वापसी के अंदर एक दो स्टॉपेज बनाएं, तो जो भी डिसीजन होगा सुबह हम लोग लेंगे।